और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन के घर पर छापेमारी हो रही है। नरेश गोयल जिनका मुंबई स्थित घर, इसमें ईडी की छापेमारी चल रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय इस वक्त नरेश गोयल के ठिकानों पर तलाशी ले रहा है। पहले भी ठिकानों पर तलाशी ली जा चुकी है ईडी के द्वारा। दरअसल में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके चलते ये छापेमारी हो रही है मुंबई के ठिकानों पर नरेश गोयल के। आपको बता दें कि दो तस्वीरें देखिए आप इस वक्त देख रहे हैं, नरेश गोयल के घर पर जो छापेमारी है वो लगातार की जा रही है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। ये वो सोसाइटी है जहां पर दबिश दी है प्रवर्तन निदेशालय ने। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है इस छापेमारी से मुतल्लिक, और कहां है अभी नरेश गोयल? और देखिए आपको बता दें कि सबसे अहम जानकारी है वो ये है कि अब तक नरेश गोयल के खिलाफ फेमा यानी कि फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला चलाया जा रहा था, जांच चल रही थी। लेकिन अब जब बुधवार के दिन नरेश गोयल से पूरे दिन मुंबई के इस प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ की गई और इसके बाद उनके घर पर भी छापेमारी शुरू की गई, उसके बाद से ही अब नरेश गोयल पर ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। यानी कि नरेश गोयल की मुसीबत अब बढ़ गई है, क्योंकि फेमा के तहत जो मामले थे वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गंभीर मामलों में जाँच शुरू हो चुकी है और इसको लेकर पूरे दिन कल उनसे पूछताछ की गई है और उम्मीद है कि आज भी उन्हें यहां पर बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में उनकी पत्नी, उनके बेटे से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज पिछले साल 17 अप्रैल के बाद से ही परिचालन से बाहर है और तब से ही ईडी लगातार नरेश गोयल के खिलाफ जो है वो जाँच कर रही थी और अब नरेश गोयल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। जी